एक व्यूवर का क्वेश्चन है, हिट द बिग टाइम क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब बोले हिट द बिग टाइम। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हिट द बिग टाइम का मतलब होता है बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल, यानी बहुत मशहूर और कामयाब हो जाना। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। आई वॉन्ट टू हिट द बिग टाइम, यानी इस सेंटेंस का सेंस है आई वॉन्ट टू बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल, यानी इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग हुआ कि मैं बहुत मशहूर और कामयाब होना चाहता हूँ, यानी मैं फेमस होने के साथ साथ कामयाब भी होना चाहता हूँ। हार्दिक पांड्या इज टू हिट द बिग टाइम, इस सेंटेंस की जगह पर आप ये भी कह सकते हैं हार्दिक पांड्या इज टू बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल, यानी हार्दिक पांड्या मशहूर और कामयाब होने वाला है, यानी वो पॉपुलर होने वाला है और वह सक्सेसफुल भी होने वाला है। दिस सिंगर इज टू हिट द बिग टाइम, इस सेंटेंस के बजाय आप ये भी कह सकते हैं दिस सिंगर इज टू बिकम वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल, यानी यह सिंगर बहुत ज्यादा फेमस और कामयाब होने वाला है, यानी मशहूर और कामयाब होने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि हिट द बिग टाइम का मतलब क्या हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि मेरा टाइम आएगा। तो अगर आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं कि मेरा टाइम आएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं वन डे आई विल हिट द बिग टाइम, यानी मेरा टाइम आएगा। इस हिंदी सेंटेंस का सेंस है कि एक दिन मैं बहुत ज्यादा फेमस और कामयाब होऊंगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेरा टाइम कब आएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे When will I hit the big time? यानी मेरा टाइम कब आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने शानदार तरीके से सीखा। अगर वाकई आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।